एक तरफ तो पूरे विश्व में कोरोना का कहर, इस महामारी से बचाव हेतु मुजम्मिल अहमद एडवोकेट बागर मऊ ने कोरोना से बचने के उपायों की जानकारी दी है। अपने और परिवार को इस कोरोना से बचने के निम्न उपाय परिवार के सब सदस्यों को करने हैं। कोरोना वायरस तांबा पर ज्यादा देर जिंदा नहीं रहता है। घर पर ही रुके, एक दूसरे को छू कर कोरोना फैल रहा है। इससे विनती है कि चेन को ब्रेक करें, पब्लिक मीटिंग न करें, घर पर रुके और परिवार के साथ समय बिताएं। इम्यूनिटी पावर मजबूत होने पर कोरोना से लड़ा जा सकता है। कोरोना का दहशत का माहौल है पूरे देश में, क्या पूरे विश्व में, क्या कहेंगे इस कोरोना के बारे में? देखिए, कोरोना जो है एक महामारी के रूप में उसने जन्म लिया है। पूरे विश्व में जो है लगभग देश उसे चपेट में आए हैं, और हिंदुस्तान में कोरोना के सिर्फ 150 से मरीज 155 के आसपास मरीज पाए गए हैं। हिंदुस्तान में ठीक भी हो रहे हैं, बाहर मुल्कों में डॉक्टर जो है सफल नहीं हो पाए हैं, यहाँ डॉक्टर इसका इलाज भी कर रहे हैं। जयपुर में भी आज हमने न्यूज़ देखी, जयपुर में डॉक्टर इसका इलाज कर रहे हैं। कोरोना एक ऐसी बीमारी है, इसको दिमाग पर न लिया जाए। अगर आप इसको दिमाग पर लेते हैं तो आप जो है सोच कर मौत के करीब पहुँचे हैं। तो कोरोना से जो है लोग रोने लगे हैं, दहशत है, उनको भागने लगे हैं, लोग सामान खरीद रहे हैं मालों में, अपने अपने घर में जमा कर रहे हैं कि कोरोना की आफत आ गई है, ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ये सब ना करें और भीड़ भाड़ इलाकों वाले से दूर रहें। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो है जारी कर दिया है नोटिस कि सभी न्यायालय 30-23 तक बंद किए जाएं। तो बांगरमऊ तहसील में भी नोटिस लग गई है, यहाँ भी आपको जो है 2 तारीख तक ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहेगी। तहसीलों में ज़्यादा भीड़ होती है, अस्पतालों में ज़्यादा भीड़ होती है, इस वजह से इसके फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हमारी देशवासियों से अपील है कि सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें, भीड़ भाड़ इलाकों से बचें। अगर यात्रा न करनी हो अन्यथा कहीं नहीं जाएं, घर में रहें, अपने साफ सफाई रखें, सैनिटाइजर से हाथ धोएं। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।